नमस्कार, देव नाम है मेरा। भारत टीवी के साथ आप जुड़े हैं। क्या मेवात के नेता सिर्फ वोट मांगने के हकदार हैं? इन रोडों से बड़ी बड़ी रैलियां निकाल कर ले जाते हैं और अब तो साहब ओहदों पर बैठ गए हैं तो शायद जनता की फिक्र नहीं है। आज मैं आपको मेवात की एक खूनी पुलिया है जिसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आए दिन इस पुलिया पर एक्सीडेंट होते हैं और मेवात के चिराग बुझ जाते हैं। हमारे पास कुछ फुटेज भी है, विजुअल भी है। लगातार यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहे हैं। मैंने पहले भी इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन इस मेवात के ज्वलंत मुद्दे पर क्या मेवात के रहनुमाओं की निगाहें नहीं जाती? जबकि लगातार मेवात की जनता त्राही त्राही कर रही है। अभी मुश्किल से दो दिन पहले एक घर के चिराग बुझ गए। यहाँ से अपाचे गाड़ी नीचे गिर जाती है और उनकी जान चली जाती है। लेकिन बड़ी शर्म और गैरत की बात है कि यहाँ से अधिकारी भी गुजरते हैं और मैंने कई बार खुद इस पुलिया को दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अधिकारियों का कोई रुख स्पष्ट नहीं है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये खूनी पुलिया है जो जान ले रही है लगातार मेवात के लोगों की। पुनहाना से जब आप जुरहरा की ओर जाते हैं तो खेड़ा के पास आपको ये टूटी हुई पुलिया नीचे साफ दिख जाती है। यहाँ से लोग सीधे कई बार अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन और नेता बेखबर है जो सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने आते हैं। मेवात के हक की बात जब होती है तो ये लोग आंखें चुरा लेते हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान साथी हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं। भैया, नाम क्या है आपका? शोएब खान है। शोएब, किस तरीके से देखते हैं इस पुलिया को लेकर के? कई बार हादसों की बातें आती हैं। हमने इसको कहा है खूनी पुलिया, क्या वाकई खूनी पुलिया है ये? जी, ये बिल्कुल वाकई खूनी पुलिया है, क्योंकि यहाँ जो प्रशासन को कई बार बता भी दिया है बहुत दिन से टूटी हुई है पुलिया जी, लेकिन इसके बारे में प्रशासन भी कोई वो नहीं लेता है। नेताओं को किस? नेता तो बस आते हैं, चले जाते हैं, वोट मांगते हैं। वो तो बस तो यहाँ पागल बना रहे हैं दुनिया जनता को। मेवात की जनता को बिल्कुल भोली भाली, उसको ये विकास के नाम पे कुछ नहीं कराते हैं। कई साल से ये पुलिया टूटी हुई है, हादसे पर हादसे हो रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे कई लोगों ने जान गंवा दी, और वैसे तो एक्सीडेंट बहुत होते रहते हैं, टूटी हुई है बहुत ज़्यादा। फिर क्या बोलेंगे उन नेताओं से, उन अधिकारियों से जो सिर्फ जनता के लिए कागजों में कुछ दिखा रहे हैं? इसमें मतलब कई बार प्रशासन को भी बता दिया है कि भाई ये इसको अवगत करा दिया गया है, भाई पुलिया टूटी हुई है, इसको सही कराया जाए, लेकिन उसमें भी कोई ध्यान नहीं दिया गया अभी तक भी। तो चलिए, ये साथी थे हमारे साथ, हम और रोड चल करके आए। मैं आपको बता दूं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मेवात के नेता और मेवात का जो मुस्तकबिल है, जिनसे मेवात के लोग उम्मीद कर रहे हैं, उनकी उम्मीद पर इतना खरा उतर पाए हैं अब तक मेवात के नेता और मेवात के अधिकारी। ये बात बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि जनता के साथ सिर्फ छलावा हो रहा है और यह खूनी पुलिया लगातार मेवात के लोगों की जान ले रही है। लेकिन अभी तक अधिकारी वर्ग जिस पर जिम्मेदारी है, नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, जिनके हाथों में ये विभाग है, आखिरकार किससे कहेगी ये जनता? लगातार ये जान गंवा रही है, हादसे पर हादसे हो रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख हुआ इस टूटी पुलिया को आज फिर से देखकर। हमें उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि मेवात के वो सोए रहनुमा जागेंगे, मेवात के वो सोए अधिकारी जागेंगे और ये पुलिया बनेगी और मेवात के जो लगातार चिराग बुझ रहे हैं इस पुलिया पर, उनको शायद रोकने में हम सफल होंगे। लेकिन अभी तक तो आंखों में आंसू है और ये पुलिया अभी तक नहीं बन पाई है। फिर मिलेंगे मेवात के ज्वलंत मुद्दे के साथ। तत्पश्चात हमारे साथ लगातार बने रहिएगा।